हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ए डी इज एन एटीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। दैट मींस आपके पास यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। हियर इज ए बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन व्हिच ए बी ए सी इक्वल है। शो दैट AD bisects BC। यहाँ पर हमने एक AD altitude भी draw करना है, तो हमने यहाँ पर altitude draw किया, ये है AD, that means ये 90 degree के angles create हुए हैं। हमें यहाँ पर prove करना है AD bisects BC, that means BD and DC equal prove करना है। AD bisects angle A, that means यहाँ पर ये दो angles create हुए हैं, angle 1 and angle 2, ये हमें equal prove करने हैं। Okay, firstly हम लिखते हैं कि यहाँ पर गिवन क्या है। इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। एंड अगर हम इसको नाम दें एंगल 3 एंड एंगल 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। एंड नाउ टू प्रूव, हमें यहां पर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट प्रूव करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फर्स्टली हम यहाँ पर देखें कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम इनको कॉमन प्रूव कर दें तो हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट प्रूव हो सकता है। इन द ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, हमारे पास है ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर हम ध्यान दें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, AB and AC ये दोनों ही hypotenuse हैं, तो यहाँ पर हमारे hypotenuse equal हो गए हैं, okay? Secondly अगर हम देखें कि AD AD ये common side है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD is equal to AD which is common, okay? And ये हमें given है। And angle 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4 each 90. ये हमें 90 डिग्री के दिए गए हैं, बिकॉज़ ये एटीट्यूड ड्रॉ हुआ है, ओके? सो ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स के अंदर आर मतलब राइट एंगल, यानी कि आपके दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, उसके बाद जो उनका हाइपोटेन्यूस है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, एंड उसके बाद आती है साइड। तो साइड में आप बेस को भी इक्वल यूज कर सकते हैं एंड परपेंडिकुलर को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक साइड इक्वल है, तो आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ओके? यहाँ पर हमें देखना है फर्स्ट पार्ट क्या है, AD bisects BC हमें प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं कि BD is equal to CD by CPCP, that means जो हमारी AD line है it bisects BC, okay? ये हमारा प्रूव हो जाता है फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंडली हम देखें कि हमें प्रूव करना है एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम ये भी लिख सकते हैं बाय द सीपीसीपी, ओके? इन दोनों ट्रायंगल्स के ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और इनको हम इक्वल कह सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इंप्लाइज एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ओके? हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से बहुत ही इजीली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। यहाँ पर हमने आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।